बहुजन समाज पार्टी के वर्करां दा एक वफद डिप्टी कमिश्नर जलंधर वरिंदर कुमार शर्मा नूं मिलिया। इस मौके बसपा आगू बलविंदर कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी दौरान पंजाब सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल सिर्फ अपने लोगों लिए किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन वालों दलितों उपर हुए हमलों अते कतलों तो बाद सही कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंधी उन्होंने एक मंग पत्र डिप्टी कमिश्नर नूं दिंदिया माणयोग राजपाल पासों खुद इस मामले में दखल देने की मांग की। अज सारे साथियों जय भीम जय भारत। अज बहुजन समाज पार्टी वालों पार्टी के प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी वालों लीके प्रोग्राम के तहत पंजाब भर के जिहड़ियां सब डिवीजन लेवल से मेरेंडम दिए गए हैं और ये जिहड़ा कि लॉकडाउन के पार्टी ने महसूस किया आ वे पूरी तरह जिहड़ा कांग्रेस आने पूरी सरकारी मशीनरी दुरवरतों की आते जिहड़ा आम लोगों ने जिहड़ा पूरी तरह भेदभाव किया और उन्होंने जिहड़े अपने खास बंदे आ उन्होंने फायदा पहुँचाने महामारी के दौरान भी जोड़ा फायदा पहुँचाने काम किया तो उन्होंने मुद्दों लैके क्योंकि लोगों राशन दस्यावें आ नी राजनीतिक रंजे तहत नीले कार्ड कटे आ जोड़े विद्यार्थियों की समस्यावें आ स्कूलों दीसा दस्या बिजली के माफ़ करने संबंधी मुद्दे आ और जोड़े ठेका मुलाजम आ चाहे हैल्थ के आ जा होर आ जिन्होंने करोना महामारी दौरान जोड़ा काम किया उन्होंने पक्के करने मसले लैके ये सारे मुद्दों लैके अब जोड़ा आ प्रवासी मजदूरों को लैके जिहड़ा उन्हां दा शोषण होया आ ते होर जिहड़े सारे मुद्दे आ पंजाब दे किसानां दलितां नाल जुड़े मुलाजमां नाल जुड़े ते जिहड़ा परचे नजायज़ होए आ 188 दे ते होर जिहड़े मतलब राजनीति रंजी दे तहत जिहड़े नजायज़ परचे होए आ कि दलितां ते अत्याचार काफ़ी होए आ पटियाले दे विच दो मर्डर होए आ एक ठूठियां वालियां दी वाली जिहड़ी घटना आ उहदे विच जिहड़ा पुलिस ने जिहड़ा नजायज़ दलितां नूं कुट्टिया आ इस तरह ही अरविंदर पलवान हैगा आ भलथ दे एरिए दे विच उहदा पुलिस वालों कतल किया गया आ ये सारे मुद्दों लैके जिहड़ा कोरोना महामारी दौरान जिहड़ी सरकारी मशीनरी दुरवरतों की गई आ लोगों के अत्याचार किए आ धक्केशाहियां कीतियां आ उन्हां मुद्दों लैके BSP वालों अज राजपाल दे नाम मंग पत्र दिता गया आ जिहदे पर राजपाल साहब नूं बेनती की माणयोग राजपाल जी नूं बेनती की गई आ भी वह आप दखल देण ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।